हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र देव की सिक्स्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में, और लगन हमारा एरीज ही है। तो आइए देखते हैं कि अगर एरीज लगन के सिक्स्थ हाउस में शुक्र देव आ जाएं, तो हमें कैसे फल देंगे। दोस्तों, छठे घर का संबंध है डेट से, डिसीज से, एनिमीज से, लिटिगेशन से, सर्विस से, ऑब्स्टेकल से, डेली लाइफ से एंड स्मॉल पेट्स वगैरह भी हम यहीं से देखते हैं, सोशल सर्विस से भी हम यहीं से देखते हैं, और हमारे जो मामा है यानी कि मदर के छोटे जो ब्रदर्स होते हैं उनको भी हम इसी हाउस से ही देखते हैं। और सिक्स्थ हाउस का संबंध है झगड़ों से, लड़ाई से, आर्गुमेंट से, और डेली लाइफ में जो हम डे टू डे प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, उन सभी चीज़ों का संबंध छठे घर से है। और दोस्तों, छठे घर में एक बहुत ही डेलिकेट प्लैनेट आ गया, वीनस। वीनस इज वेरी सॉफ्ट एंड इमोशनल प्लैनेट। वीनस से हम बहुत चीजें देखते हैं, वीनस से हम लिक्विड कैश देखते हैं, लव देखते हैं, रोमांस देखते हैं, सेक्स देखते हैं, सेंसुअलिटी देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, खाना पीना, मौज मस्ती, प्लेजर्स, लेजर्स वीनस से देखते हैं। वीनस से हम आर्ट एंड क्रिएटिविटी देखते हैं, वीनस से हम लव देखते हैं, अफेक्शन देखते हैं। वीनस का संबंध फीमेल से है, हमारी वाइफ से है, हमारी गर्लफ्रेंड से है, और वीनस का रिलेशन उन सब रिश्तों से है जो हमें इमोशनल वार्मथ देते हैं। तो दोस्तों, अब वीनस एक दुष्टाना हाउस में आ गया, छह नंबर राशि में, और यहां वीनस नीच का हो गया। देखिए, एक तो हाउस गलत है ये, और फिर यहां पर ये डेबिलिटेट हो गया यानी कि नीच का हो गया, तो यहां पर वीनस हमें बहुत बुरे रिजल्ट्स देगा। एरीज लगन में वीनस रिप्रेजेंट करता है हमारी फैमिली को, वेल्थ को, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को, हमारी स्पीच को, फूड हैबिट्स को, और हमारी वाइफ को, हमारी पार्टनरशिप को, और हमारे सामने के लोगों को, यानी सेवंथ हाउस से जो हम देखते हैं सामने की दुनिया, जिनसे हम एसोसिएटेड हैं किसी ना किसी रिलेशन से। दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो रिलेशनशिप है लाइफ में, चाहे वो किसी से भी है, उस बहुत ही कमी आ जाएगी, बहुत ही डेफिशिएंसी आ जाएगी। वी वॉन्ट बी एबल टू मेंटेन आर गुड रिलेशनशिप विद आर फैमिली, विद आर फ्रेंड्स, विद फीमेल्स, विद आर वाइफ एंड विद आर पार्टनर्स, क्योंकि वीनस का रिलेशन रिलेशनशिप से है, और वो एक छठा घर किसका घर है, झगड़े का, आर्गुमेंट्स का, ऑब्स्टेकल्स का। मतलब हमारे रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, आर्गुमेंट्स रहेंगी, झगड़ा रहेगा, मतभेद रहेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द रिलेशनशिप विद दीस पीपल। वेल्थ के लॉर्ड, वेल्थ के हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आ जाए, तो वेल्थ एक्यूमुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, या यूं कहना चाहिए कि इंसान कर ही नहीं सकता, पूरी जिंदगी इसी संघर्ष में रहता है, लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। हाँ, अगर वेल्थ का घर में कोई बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट बैठा हुआ है, तो एक ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद इंसान वेल्थ ले लेगा, लेकिन अगर आपका सेकंड हाउस भी अफ्लिक्टेड है या उसमें कोई और किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, तो यहाँ ऑब्स्टेकल्स भी आदमी फेस करेगा और पैसा इकट्ठा भी नहीं कर पाएगा, बस इंसान कमाएगा और खाएगा।
और यहाँ पर इंसान की स्पीच में भी एक एग्रेशन आ जाएगा, ही विल बी ए सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंटेटिव पर्सनैलिटी, छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट्स करेगा। ये बुद्ध देव का घर है और दुष्टाना हाउस है, यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए जो भी इंसान की कन्वर्सेशन होगी उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी और हम अपने लोगों को ही अपना दुश्मन बना लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारी फूड हैबिट्स भी बढ़िया नहीं रहेंगी, विच विल क्रिएट प्रॉब्लम इन आवर हेल्थ, हेल्थ में भी यहाँ हमें डेफिशिएंसी रहेगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, कभी कुछ है कभी कुछ है, और ज़्यादातर बीमारियाँ हमारी स्टमक से रिलेटेड रहेंगी, हमारे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड रह सकती हैं, क्योंकि शुक्रदेव इन्हीं चीज़ों से बीमारियां देते हैं। और दोस्तों हमारी जो स्पाउस है उससे हमारे रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलेगी, हमारे वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं चलेंगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे जिसमें हम आर्गुमेंटेटिव रहेंगे, वी वोंट बी सेटिस्फाइड विद दी रिलेशनशिप विद आर स्पाउस। हमारे जो फिजिकल रिलेशंस हैं, जो मैरिटल रिलेशनशिप है, उनमें भी डेफिशिएंसी रहेगी, वो हम जो प्लेजर है जो खुशी है उसका हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे और हम थोड़े मायूस रहेंगे। और हमारी पार्टनरशिप भी यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसमें भी ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, हमें पार्टनरशिप बिजनेस करना ही नहीं चाहिए इस प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप टूट जाएगी। और सेवंथ हाउस भी अगर अफ्लिक्टेड है, यानी कि सेवंथ हाउस में एट्थ हाउस का प्लैनेट बैठा है या सेवंथ हाउस में केतु की एनर्जी है या केतु का एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। अगर यहाँ पर दो प्लैनेट्स और इस घर को खराब कर रहे हैं सेवंथ हाउस को, तो यहाँ सेपरेशन हो जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा केस, डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ यही प्लैनेट ही अफ्लिक्टेड है, यानी कि वीनस, तो हमारी लड़ाई झगड़े में ही लाइफ निकलती रहेगी। और अगर हमारे सेवंथ हाउस में शनि बैठ गए तो हम डिस्ट्रेस्ड लाइफ को बहुत लंबा चला लेंगे, सालों तक चला लेंगे, 10-15 साल भी चला सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बैठ के इंसान या तो नौकरी करेगा और अपना नौकरी से कमाएगा और खाएगा, डेली लाइफ चलाएगा, या इंसान यहाँ पर अगर बिजनेस करेगा तो उसको डेट्स लेने पड़ेंगे, और नौकरी में भी डेट्स ले सकता है, ऐसा नहीं है उसमें नहीं ले सकता, लेकिन बिजनेस में वो डेट्स लेके ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। और यहाँ पर हमारे कई तरह के एनिमीज रहेंगे जो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, एंड वी वोंट बी एबल टू हैंडल आर एनिमीज, क्योंकि वीनस प्लैनेट एक तो सॉफ्ट है, दूसरा डेबिलिटेट है, नीच का बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमें एनिमीज से नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और हमारे खुद के रिश्तेदार, हमारी फैमिली के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारा स्पाउस भी हमारा एनिमी बन सकता है इस प्लेसमेंट से। यहां बैठा हुआ शुक्र देखेगा 12वें घर को, यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी एक्टिवेट हो जाएंगे, इंसान को अपने खर्चे ही नहीं संभाले जाएंगे, 12वां घर खर्चे का है, लॉस का है, हॉस्पिटल का है। और यहां पर आदमी कि कहीं ना कहीं गलत संबंधों में भी आ सकता है, बैड प्लेजर्स में भी आ सकता है। वीनस व्हेन ही विल नॉट बी नेटिव विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द रिलेशनशिप विद हर स्पाउस और हिज स्पाउस, देन ही विल डेफिनेटली टेक इंटरेस्ट इन बैड प्लेजर्स। तो यहाँ पर बैठा हुआ वीनस आपको ना तो पैसे से सुख देगा, ना फैमिली की रिलेशनशिप से सुख देगा, ना हस्बैंड की रिलेशनशिप से सुख देगा, फैमिली मींस पेरेंट्स की फैमिली, ना पेरेंट्स की वेल्थ में भी ऑब्स्टेकल्स डाल देगा।
पेरेंट्स की वेल्थ खराब होने का योग बनेगा। आपकी स्पीच भी ऐसी होगी जिससे कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होते रहेंगे फैमिली में। देर विल बी ए लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स व्हेन यू से समथिंग टू एनीबॉडी। आपकी बातों को दूसरा आदमी सही नहीं समझेगा। तो ये जो प्लेसमेंट है ये वर्स्ट प्लेसमेंट है। दिस इज नॉट अ बैड प्लेसमेंट, दिस इज द वर्स्ट प्लेसमेंट। देखते हैं कि यहाँ पर शुक्रदेव किस नक्षत्र में मिलेंगे आपको। अगर 0 से 10 डिग्री तक है तो उत्तर फाल्गुनी में मिलेंगे। उत्तर फाल्गुनी में आप सूर्य की प्लेसमेंट देखिए, अगर सूर्य की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है तो यहाँ थोड़ा बचाव है, यानी कि वेल्थ में आप ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद पैसा कमाएंगे। आप में एनर्जी होगी, एंथुसियाज्म होगा, करेज होगा, यू विल फेस द चैलेंजेस। बिकॉज सूर्य क्या है, सूर्य आत्मबल है, और वीनस अगर सूर्य के नक्षत्र में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप में आत्मबल होगा चीज़ों को फेस करने का, चैलेंजेस फेस करने का। और सूर्य अगर 10th हाउस में है या 5th हाउस में या 1st हाउस में है तो डेफिनेटली यू विल अर्न मनी एंड आप ये सब चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और दूसरा नक्षत्र जो 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक चलेगा वो है हस्ता नक्षत्र, चंद्रदेव का नक्षत्र है। चंद्रदेव का नक्षत्र थोड़ा सा सॉफ्ट है, चंद्रदेव खुद भी इमोशनल प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है, तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो शुक्रदेव के नक्षत्र में वीनस को मिलेंगी। यहाँ पर डिस्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, उदासीनता ज़्यादा रहेगी, परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी एंड डैमेज ज़्यादा रहेगा। फिर भी अगर चंद्रदेव एग्जॉल्टेड साइन में है, वेल्थ के साइन में, तो ये कमाल हो जाएगा। तब आप ऑब्स्टेकल्स में से निकलते हुए काफ़ी वेल्थ एक्यूमुलेट भी कर लोगे। दिस इज द मिरेकल। अगर आपने नक्षत्र का लॉर्ड बेस्ट एक्सीलेंटली प्लेस्ड है तो डेफिनेटली ये आपको कुछ ना कुछ दे देगा, लेकिन ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी जो हमने इनिशियली डिस्कस की है। हाँ, हमने कहा है कि वेल्थ एक्यूमुलेटेड आप नहीं कर पाओगे तो वहां हो जाएगी आपकी, ये चेंज आ जाएगा। और अगर चंद्र अपनी ही राशि में पड़े हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज भी बन जाएंगी आपकी, यानी कि 4th हाउस में पड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास व्हीकल्स भी होंगे एंड यू कैन एंजॉय ऑल कन्वीनियंसेस ऑफ लाइफ आफ्टर फेसिंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स इन रिलेशनशिप्स। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को भी ये सामान्य कर लेंगे चंद्रदेव, अगर 2nd और 4th हाउस में बैठे हैं तो। अगर चंद्रदेव कहीं बैड प्लेस्ड हो गए, 12th में चले गए, 8th में चले गए, तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। और फिर तीसरा नक्षत्र आपको मिलता है यहाँ पर चित्रा नक्षत्र मंगल का, और मंगल में विल पावर, मंगल के नक्षत्र में भी वीनस बहुत अच्छा प्ले करता है। मंगल के नक्षत्र में वीनस थोड़ा सेंसुअल हो जाएगा, यानी कि नेटिव थोड़ा सेंसुअल हो जाएगा, क्योंकि वीनस और मंगल की एनर्जी मिलके आदमी की जो ड्राइव्स हैं, सेक्स ड्राइव्स हैं, बढ़ा देती हैं। फिर भी बैड प्लेजर्स में आ सकता है आदमी, फिर भी आप मंगल की प्लेसमेंट देख के आपको ज़्यादा पता लगेगा कि मंगल देव आपको यहाँ पर क्या देंगे। लेकिन मंगल इज़ एन एग्रेसिव प्लानेट, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट तो मंगल देंगे नहीं। हाँ, अगर वो कहीं अच्छे प्लेस्ड हैं, यानी कि 10th हाउस में एग्जॉल्टेड साइन में, तो प्रोफेशन आपका अच्छा चलेगा, ग्रो करेगा। और मंगल अगर 1st हाउस में है तो एनर्जी अच्छी रहेगी, हिम्मत ज़्यादा रहेगी। और मंगल के नक्षत्र में अगर वीनस है तो विल पावर अच्छी रहेगी, यू विल फाइट विद योर एनिमीज, यू विल डेफिनेटली फाइट विद द ऑब्स्टेकल्स एंड मूव फॉरवर्ड विद अ लॉट ऑफ विल पावर। तो ये नक्षत्रों का खेल है। और मंगल अगर डेबिलिटेट हो जाए तो जो चीज़ें आपकी फैमिली की होंगी वो भी चली जाएंगी, यानी कि फैमिली के एसेट्स जो होंगे, प्रॉपर्टीज जो होंगी, वो भी बिक जाएंगी अगर मंगल 4th हाउस में आ गए तो। और मंगल अगर 2nd हाउस में आ गए तो भी कहीं ना कहीं झगड़ों का योग बनेगा, क्योंकि मंगल जो है ना, ये डोमेस्टिक पीस को खराब करने वाला प्लानेट है।
लेकिन हाँ, विल पावर और करेज और हिम्मत और ये सारी चीजें मंगल जरूर देता है, अग्रेशन। तो दोस्तों, इन तीन नक्षत्रों में कुछ इस तरह से वीनस परफॉर्म करेगा। आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर द डे, एंड आई डू होप दैट दिस इज ए यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। एंड दोस्तों, यहाँ वीनस के बैठने से थोड़ी सी वीनस की यानी शुक्रदेव की रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीनस की रेमेडीज वगैरह कर लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ ट्रैक पे रहेगी, रिलेशनशिप ठीक चलेगी, संबंध ठीक चलेंगे, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएंगी। तो इस तरीके से आप अपने शुक्र को कुछ रेमेडियल एक्टिविटीज से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एज यूजुअल माई नंबर इज 9899105355। इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, यू कैन डायल दिस नंबर। सो वील सी यू टूमोरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम।